ఈ వార్డులో వైఎస్ఆర్సీపీ కౌన్సిలర్ ఉండి కూడా మన కాలువలు ఏం పట్టించుకోవడం లేదు. ఈ కాలువలు ఇలాగే ఉన్నాయి. మేము పెరాలసిస్ వచ్చినా కూడా మేము రెండు రోజులు గత నెల రోజుల నుండి రెండు సార్లు కింద పడినా కూడా మేము చెప్పినా కూడా ఏం పట్టించుకోవడం లేదు. ఈ స్తంభం కూడా డ్యామేజ్ అయింది, దాని గురించి కూడా చెప్పినా కూడా ఏం పట్టించుకోవడం లేదు. మేము ఎంత చెప్పినా వాళ్ళు ఏం పట్టించుకోవడం లేదు. సచివాలయం కంప్లైంట్ ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు మాకేం తెలియదు అంటున్నారు. దీని గురించి ఎంత చెప్పినా వాళ్ళు ఏమి నిమ్మకి నీరెత్తినట్లు ఉన్నారు. దీని పరిష్కారం ఎట్లా చేస్తారో మీరే చెప్పాలా. ఎక్బాల్ 9వ వార్డ్. ఏ భార్బెట్ మే ఎలక్షన్ వార్డ్ 10 హే जो इसमें वाईएसआरसीपी के काउंसलर है, जो इलेक्शन के टाइम पे जो है म्यूनिसपालिटी इलेक्शन के टाइम पे वो अपने लोगों को जो है झूठ बोलकर जो है लोगों को गवर्नमेंट के सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के स्कीमों के बारे में स्कीमा नहीं आते है. इलेक्शन में काउंसलर को जिताए तो स्कीमा नहीं आते ऐसा वैसा का तो बोल को ड्रा को लोगों को बैगा को ओढ़ा दलाने लगाए नो. आज ये कालवे के वास्ते में आगो बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं. हेल्थ भाग ने हेल्थ अच्छे नहीं रहे, तबीयत खराब रहे तो जो है ऑटो अंदर जाने के लिए फैसिलिटी नहीं है. और बहुत सारे जो है कालवे में बच्चे गिर को पड़ रहे हैं. इसमें जो है इनो भाई पैरालिसिस आ गया है, जरा हाथ पाँव गिर गो है. सुबह में उठते हो नो लाइट करंट गया था, करंट गया दो बार गिर को पड़े नो. गिर को पड़े तो भी उसे कौन भी पूछने वाला नहीं है. इसी तरह जो है ये करंट का पोल जो है पूरा नीचे से डैमेज हो गया. इसके बारे में भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को कंप्लेंट भी दिए, खाली आ रहे हैं देख रहे हैं जा रहे हैं लेकिन उसका क्या भी हल नहीं निकाल रहे हैं. इसके बारे में सचिवालय में भी कंप्लेंट करे, म्यूनिसपालिटी कमिश्नर को भी 2-3 बार अब तक कंप्लेंट करे हम लोग जो है इसके ऊपर अभी तक क्या भी नहीं लिया. ये वाईसीपी गवर्नमेंट जो है एक 40 काउंसलरों को रख के भी जो है ये डेवलपमेंट में पीछे रह गई. तो इसमें जो है तमाम पूरी आवाम परेशान है ये लोगों के मार से. ये काम कुछ भी नहीं करा रहे हैं. इलेक्शन के टाइम पर जो है सेंट्रल जो जगनमोहन रेड्डी जीत के जो स्कीम अनाउंस करें वो स्कीमों को नहीं आते ऐसा वैसा का तो बोल को लोगों को ड्रा को जो है म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन आगे ओढ़ा दला लिए इन्हों. लेकिन आज कालवे के बारे में पूछे तो हमने मालूम नहीं, हमने समाधान नहीं. म्यूनसिपालिटी में ऐसा है वैसा है, 40 काउंसलर खुद रिसेंटली म्यूनसिपालिटी में हमारा क्या भी नहीं हो रहा है. हमें बोल रहे हैं सो काम नहीं हो रही है तो बोल को बोल रहे हैं. एक 40 काउंसलर हो गए भी वाईएसआरसीपी के एक बहुत शर्म की बात है कि ये लोग जो है अपने आप को जो है अपने मोहल्ले में इसमें उसमें डेवलप नहीं करा सक रहे. तो इनको अपोजिशन नहीं रहने की वजह से और अच्छे बहाने हो गए ये लोगों को. तो आने वाले दिनों में जो है आवाम खुद ये लोगों को बताएंगी कि काउंसलरों को और MLA इलेक्शन में आवाम खुद बताएंगी कि डेवलपमेंट की वजह से जो है पीछे पड़ा हुआ हमारा वार्ड हो या टाउन हो इसके लिए बहुत परेशान है आवाम. तो आने वाले दिनों में जो है आवाम ही इसका इनको भरपूर अंजाम देगी. मेरा नाम शाकिर अहमद, MIM का वार्ड इंचार्ज हूँ मैं.